हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो जो आप एक केक डाइनिंग टेबल पे देख रहे हो, इस केक की मैं आज आपको रेडी करके दिखाऊंगा। ये 2 पाउंड का चॉकलेट केक है। बाकी इसकी मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताई है कि लेयरिंग कैसे लगानी है, क्रम कोट करना है, ये सब कुछ जो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हो उसमें होगा। बाकी आज मैं जो है वो टोटल आइसिंग के ऊपर बात करूँगा। थोड़ी सी मैंने क्रीम ली, उसको ऊपर रख देना है केक के ऊपर। बाकी जैसे मैं आपने देखा होगा, हल्के हल्के हाथों से घुमाना है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाकी लास्ट में टर्निंग टेबल को पूरा घुमाओ, ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर दो आइसिंग को, क्रीम को। फिर साइड में भी सेम प्रोसेस होता है, थोड़ी थोड़ी क्रीम, मतलब क्रीम थोड़ी लगानी लेकिन ज़्यादा लगानी होती है, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तभी केक की फिनिशिंग बराबर आती है, कम लगाओगे तो केक का स्पंज दिखने लग पड़ता है। बाकी हल्के हाथों से इसको करते रहना। साइड की मैंने जैसे उठा रहा हूँ, फिर ऊपर की मैंने ये बराबर की थोड़ी नीचे की तरफ फैला देनी ताकि एक्स्ट्रा आ जाए। अब नीचे से फिर ऊपर की तरफ उठा देनी है, ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो फिर ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो काट लेनी है। अब जो है हमारी साइडें बिल्कुल राउंड हो गई हैं, और जहाँ पे कम है वहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लगा के फिर इसको थोड़ा सा बाहर निकालो, ऊपर मतलब नीचे वाले स्टैंड से थोड़ा सा बाहर निकालो के। अब साइड में हल्का सा हाथों से एक साइड से की काट देनी है जो एक्स्ट्रा हो गया। आपको आइडिया होगा कि इतना बेस है, इतना केक स्पंज है और क्रीम इतनी लगाई है, तो इतना सा कटेगा तो स्पंज नहीं दिखेगा। अभी देख सकते हो 90% केक सही हो गया है इस टाइम, मतलब आइसिंग केक की। तो इसमें जो है एंड जो फिनिशिंग है वो मैं स्क्रैपर से देता हूँ, ये आप अमेज़ोन से या कहीं से मंगा सकते हो। ये स्क्रैपर मैं बोलता हूँ आइसिंग सीधी करने के लिए काफ़ी अच्छा है, छोटे में भी आता है बड़े में भी आता है, आप मंगवा लो, इससे काफ़ी सही फर्क पड़ जाएगा। और देख सकते हो 99% इस टाइम केक बिल्कुल सीधी आइसिंग हो गई। बाकी अगर किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, मैं नहीं बोलता हूँ कि सही नहीं बनाते, लेकिन मैक्सिमम जो है वो केक उनके हिलते डुलते हैं, जैसे आप किनारी में देखोगे ना तो वो बराबर नहीं होते हैं। तो अगर ये तरीका आप फॉलो करते हो तो आपकी आइसिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी, 101% श्योर है कि आपकी आइसिंग सीधी हो जाएगी। बाकी इसमें लिपे टेक्सचर की मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता ये टेक्सचर कैसे मारा है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। बाकी इसमें मैंने बटरफ्लाई से डेकोरेशन किया है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गार्निश बन नहीं रही है, थोड़ा इसी भी काम नहीं करा, तो सिंपल से ही डेकोरेशन की हुई है। थोड़ा मौसम सही हो जाए तो फिर गार्निश के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके हेल्पफुल होगी वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑलवेज।